हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 19 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के बारे में। आज की यह क्लास होगी वो करंट अफेयर की सुपर फास्ट क्लास होगी। आज की इस क्लास में करंट अफेयर के टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास में 19 अक्टूबर 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा 19 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर विजिट करें। वहाँ से आपको 19 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर प्राप्त हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम 18 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर का क्विक रिविजन करते हैं। इसमें देखते हैं कि किस संगठन ने क्लाइमेट एक्शन फंड की शुरुआत की है, तो किस संगठन द्वारा की गई है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय कृषि महोत्सव आयोजित किया गया है, तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कृषि महोत्सव का आयोजन है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि किस भारतीय फिल्म ने 2024 में अपने नारियल महोत्सव का आयोजन किया है, तो किसने किया है, केरल द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किसने डीजीएमएस का पद ग्रहण किया है, तो किसके द्वारा डीजीएमएस का पद ग्रहण किया गया है, कविता सहाय द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला द्वारा शपथ ली गई। नेक्स्ट देखते हैं कि 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व है वो एस जयशंकर द्वारा किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया, एस परमेश्वर को। नेक्स्ट देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में सुरेंद्र कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे 19 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के बारे में। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि भारत में पहली बार खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो भारत में पहली बार खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन है वो दिल्ली में किया जाएगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि भारत में पहली बार खो खो विश्व कप का आयोजन 13 से 19 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि हाल ही में भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र कौन सा उद्यान बना है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और यह भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि असम में स्थित कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है। इसमें 446 किस्म की तितलियां पाई गई हैं तथा अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला तितली विविधता केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के किस शहर को शामिल किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओरछा शहर को। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राम राजा की नगरी ओरछा को शामिल किया गया है। वहीं यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में मध्य प्रदेश के 14 स्थल शामिल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फोर देखते हैं कि हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजधानी दिल्ली में 16 अक्टूबर को पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित 6 दिवसीय इस कार्यक्रम महोत्सव में अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर और श्रीलंका समेत कई अन्य देशों से कलाकार, विद्वान और नृत्य आलोचक इसमें शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि हाल ही में आगामी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहां आयोजित किया जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में।
इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए सभा के 7वें संस्करण का आयोजन 3 नवंबर से 6 नवंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि हाल ही में हरियाणा में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नायब सिंह सैनी ने। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार 17 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कि हाल ही में वार्षिक उत्सव मेरा हाउ चोंगवा 2024 कहां शुरू हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इम्फाल में। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 17 अक्टूबर से वार्षिक उत्सव जिसका नाम है मेरा हाउ चोंगवा 2024 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में भारतीय नौसेना के BLF रडार स्टेशन की नींव रखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं कि हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रश्मिका मंधाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं कि भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहां शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तिरुअनंतपुरम में। आइए फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुअनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पावना चित्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखते हैं कि यह ऑफ ग्रिड वायु गुणवत्ता मॉनिटर CSIR NIIST द्वारा विकसित स्वदेशी इंडोर सौर सेल द्वारा संचालित है। आइए फ्रेंड्स आपके लिए आज का सवाल इस प्रकार है, आपको बताना है कि ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में किसने रजत पदक जीता। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट देकर बताना है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद जय भारत।